कि औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, लेकिन हमें स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखती, चिकन सिटी दिखती है। आज कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में हम एक निवेदन देने को आए, इससे पहले भी चार दिन पहले भी हमने निवेदन देके गए। आज नारेगांव और हीना नगर आज चिक्कड़ बस्ती बन गई, चिक्कड़ बस्ती। हमें वो मालूम पड़ता है कि औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, लेकिन हमें स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखती, चिक्कड़ सिटी दिखती है। आज हम चार दिन का टाइम दे के जाते हैं महानगर पालिका को, चार दिन का टाइम। अगर चार दिन के अंदर अंदर हमारे नारेगांव और हीना नगर के अंदर कभी मुरुम नहीं डाला गया, तो हम हमारे मासूम मासूम बच्चों को लेके, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके हम यहाँ पे कारपोरेशन के सामने मरण उपोषण करेंगे। ये हमारी चेतावनी है और ये हमारा वादा है। अब बहुत परेशान हो गए हम लोग, लोगों को निवेदन दे दे के, कमिश्नर साहब को निवेदन दे दे के परेशान हो गए। लेकिन हम इतने परेशान है कि हमारे तरफ किसी की मैयत कभी हो जाती है। तो हम अभी कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में हमने एक छोटा सा निवेदन लाके दिया है और चार दिन का इंटीमेशन दे रहे हैं। चार दिन में अगर हमारे नारेगांव और हीना नगर के अंदर कभी हमारा काम नहीं होता है, तो हम ट्रक भर के चिक्कड़ लेके आएंगे और यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन लेके आएंगे कि शायद ही औरंगाबाद में इतना बड़ा आंदोलन किसी ने नहीं देखा होगा। हमारे बुरखे खराब हो गए थे, हमारे कपड़े खराब होते। एक इंसान जुमे के दिन जा रहे थे तो ऐसे गिर गए, वो क्योंकि नमाज भी गई और उनका सब कुछ खत्म हो गया। कदीर मौलाना तुम आगे बढ़ो, केसीआर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, पब्लिक के लिए लड़े हम। ये कमिश्नर जो बैठे हुए तो हमारे लिए बैठे हुए, हम अच्छा ऑफिसर है, आम जनता के लिए कमिश्नर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब ने जनता का काम करना, क्योंकि वो पब्लिक के नौकर है और उनका काम है पब्लिक की सेवा करना। हम गुना से डरने वाले नहीं है, तुम गुना दाखिल करो, हम तैयार है, क्योंकि हम नारेगांव और हीना नगर का हमको विकास करना है। आज कमिश्नर साहब का, आप आज कमिश्नर साहब से धन्य होता ना हमारा, कि आप वार्ड में आके देखो कि बच्चों स्कूल को तकलीफ है, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए बच्चों को तकलीफ है, लेडीज के लिए गाड़ियां बच जा रही है, जाएंगे कैसे लेडीज, जाएंगी जरा वापी भी आके जरा देखिए ना, अधिकारी जिंदाबाद भारत पार्टी। आज तक कौन नगर सेवकों ने कारपोरेशन में स्कीमा निकलती है, आज तक कोई नगर सेवक ने पब्लिक तक पहुंचाया नहीं। वार्डों के यह हाल है कि कोई नगर सेवक झाक करने में तैयार नहीं है, कि हमारी लेडीज गिर रही, हमारी माँ बहने गिर रही, बच्चों को तकलीफ हो रही, आज लोगों को गाड़ियाँ आने की तकलीफ हो रही। एक दिन का मसला नहीं, कई सालों से मसला ही। आज हमारा सिर्फ कारपोरेशन को एक छोटा सा मेमोरेंडम है, लेकिन हमारा चार दिन में काम नहीं होता है। हीना नगर नारेगांव अगर चार दिन में काम नहीं होता है, तो हम हजारों की संख्या में उपोषण करेंगे, हमारे मासूम मासूम बच्चों को लाके बिठा देंगे, क्योंकि कैसी जिंदगी जी रहे हमारे लोग हमको मालूम। ये देखो हमारे जूते, ये हमारे चप्पल, देखो चिक्कड़ में चल चल के परेशान है हम, हमारी गाड़ी फंस जा रही है तो वहां से निकल नहीं सकते। हमारे वार्ड के अंदर कोई एम्बुलेंस नहीं आती, हमारे वार्ड के अंदर कोई रिक्शा नहीं आता, हमारे एरिया के अंदर किसी कभी किसी की मौत हो जाती है तो उसको बहुत चैन से निकालना पड़ता। हमारे तरफ कोई बीमार होता है तो उसको भी बड़े चैन से निकालना पड़ता है। मौत मट्टी अगर कुछ करना है तो खाना देने के लिए जगह नहीं। अगर ये हालत में कैसा फिरेंगे, कैसा सब्जी खाएंगे, कैसा दवा खाएंगे, ये सब मसले है ना। हाँ, ये मसले को कौन देखने वाला है, आप लोग देखेंगे ना। ये महानगर पालिका में हमारा आना इसलिए हुआ कि हीना नगर की हालत बहुत खराब है और नारेगांव की भी। नारेगांव का निवेदन दे चुके पहले, अभी हीना नगर का है, तो इसलिए हमारा इधर पे आना हुआ। तो हमारा आयुक्त साहब से ये गुजारिश है कि भाई उधर पे हीना नगर में थोड़ा तवज्जो दीजिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे और जो दवाखाने में जाने वाली लेडीज है प्रेगनेंट, उनकी बहुत तकलीफ है, उनको चलने फिरने की और स्कूल में जाने के लिए बच्चों की काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए हमको उनका दुख महसूस हुआ और हम इसलिए हमारे इधर आना हुआ।
तो हमारा सर से ये गुजारिश है कि भाई थोड़ा सा उधर मुरुम का जो सिलसिला है कायम रखिए। अभी जो महानगर पालिका की ओर से जो लाइन खोदी गई पानी की कॉर्पोरेशन नल की लाइन जो खोदी गई है उससे और काफी चिक्कड़ हो गया, पानी के टैंकर फंस रहे हैं, रिक्शा ऑटो नहीं आ रही है अंदर। अगर बस्ती में अगर कुछ मौत मट्टी अगर होती है तो टक्सिम के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं, बरोबर सब चिकड़ पैजामे पे उड़ रहा है, पैंटों पे उड़ रहा है, कपड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म खराब हो रहे हैं, शूज खराब हो रहे हैं, सब खराब हो रहे। तो हमारी सर से ये निवेदन है, हम निवेदन देने के लिए आए कि भाई वहाँ पे मुरुम का अच्छे से अच्छा इंतजाम होना चाहिए। मेरा नाम शेख अजीम, हिना नगर चिकल थाने से हूँ मैं, और ये एरिया नारे गांव में भी तकसीम होता है थोड़ा, 37 वार्ड नंबर 37। हम आंदोलन करने को आए थे, हम आंदोलन करने के लिए आए थे लेकिन पुलिस ने हमारा आंदोलन रोका गया। और दूसरी बात कि हमसे वहां के लोगों की हालत देखी जा रही नहीं। मैं वो एरिया में रोज जाता हूँ, मेरी हफ्ते में 2-3 बार विजिट है, तो मैंने वहां लोगों को जागरूक करा कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। आज तक किसी नगर सेवक ने या किसी ने अपने एरिया को, सलम एरिया को देखे नहीं, क्यों? वहां इंसान नहीं रहते, वहां भी इंसान रहते, वहां भी इंसान रहते, वहां जानवर तो रहते नहीं। जब मैंने वो हालत देखा कि 7 बजे सुबह 6 बजे बच्चों स्कूलों को जा रहे, तो एक बच्चा गिर गया मेरे सामने, तो मैंने वो भाभी को बोला, भाभी वो बाजू से जाओ, बीच में मत जाओ। हम कॉर्पोरेशन में नारे गो और हिना नगर लेके आए हुए, हम कॉर्पोरेशन में नारे गो हिना नगर का मसला नारे गो को देख चुके, हिना नगर के लेके आए हुए। लोगों को इस कदर तकलीफ है कि बच्चे स्कूल को जा नहीं सकते, किसी की मौत मट्टी हुई तो मैयत उठा सकते नहीं, और लोगों को गाला फंस रही है। और हमारी कमिश्नर साहब पे फुलकुल गुजारिश है कि आप अच्छे आदमी हो, आप यहाँ पर थोड़ा तवज्जो दीजिए, अभी फिलहाल तो आप वहाँ मुरम डाल दीजिए क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं शेख मुश्ताक शेख हाशम, DRS पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में हम एक निवेदन देने को आए। इससे पहले भी 4 दिन पहले भी हमने निवेदन देके गए। आज नारेगांव और हिना नगर आज चिक्कड़ बस्ती बन गई, चिक्कड़ बस्ती। हमें वो मालूम पड़ता है कि औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, लेकिन हमें स्मार्ट सिटी तो नहीं दिखती, चिक्कड़ सिटी दिखती है। क्योंकि हमारे जो भी कमिश्नर साहब यहाँ आ रहे हैं, नारेगांव और हिना नगर को बहुत इजी लिया जा रहा है। हिना नगर को नारेगांव की तरफ कोई कमिश्नर साहब की विजिट नहीं हो रही, कोई कर्मचारी की विजिट नहीं हो रही, कोई अधिकारी की विजिट नहीं हो रही। आज हम 4 दिन का टाइम देके जाते हैं महानगर पालिका को, 4 दिन का टाइम। अगर 4 दिन के अंदर अंदर हमारे नारेगांव और हिना नगर के अंदर कभी मुरुम नहीं डाला गया, तो हम हमारे मासूम मासूम बच्चों को लेके, हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके हम यहाँ पे कॉर्पोरेशन के सामने मरण उपोषण करेंगे। ये हमारी चेतावनी है और ये हमारा वादा है। अब बहुत परेशान हो गए हम लोग, लोगों को निवेदन दे देके, कमिश्नर साहब को निवेदन दे देके परेशान हो गए। लेकिन हम इतने परेशान है कि हमारे तरफ किसी की मैयत कभी हो जाती है तो ये मैयत को निकाला नहीं जाता। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसको निकाला नहीं जाता। क्यों नहीं निकाला जाता? उसका कारण यह है कि चिक्कड़ नारेगांव और हिना नगर में इतना चिक्कड़ है कि हमारा दिल बोल रहा वहां से ट्रका भर भर के चिक्कड़ महानगर पालिका के सामने लाके डालना। अरे इनको जब ऐसा सुनना कि चिक्कड़ गाय को बोलते बोल के, ये यहाँ के अधिकारियों को जब मालूम पड़े ना चिक्कड़ गाय को बोलते, अरे चिक्कड़ की जिंदगी हम जिए, चिक्कड़ की जिंदगी हम जी रहे। और हम अभी कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में हमने एक छोटा सा निवेदन लाके दिया है और 4 दिन का इंटीमेशन दे रहे हैं। 4 दिन में अगर हमारे नारेगांव और हिना नगर के अंदर कभी हमारा काम नहीं होता है तो हम ट्रक भर के चिक्कड़ लेके आएंगे और यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन लेके आएंगे कि शायद ही औरंगाबाद में इतना बड़ा आंदोलन किसी ने नहीं देखा होगा, जो DRS पार्टी आंदोलन बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शेख मुश्ताक शेख हाशम नारेगांव में रहता हूँ और औरंगाबाद का छोटा मोटा DRS का कार्यकर्ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी ये है कि हम अचल सकते, हमारे घर के सामने तक कीचड़ है,
हम दूर पड़े तो भैंस मारने की बात है हमारी बस। बच्चे नहीं निकल सकते, हम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, बहुत कीचड़ है। रिक्शे में को है नहीं जगह वहाँ घर के सामने हमारे। और एक मसला बच्चे का भी, स्कूल से निकले, स्कूल से निकलने को एक यूनिफॉर्म रहता बच्चे के लिए, एक यूनिफॉर्म का भी खराब हुआ तो बच्चे को स्कूल नहीं, बच्चे को दूसरा यूनिफॉर्म नहीं रहता, बच्चे की पढ़ाई भी खत्म। और दूसरा मसला डिलीवरी का कभी हो गया, डिलीवरी का कभी हो गया तो डिलीवरी का ये चालू ये आता बाहर जाना चिखर मट्टी में, औरत कभी रास्ते में कभी डिलीवरी हो गई आ सकता है, गाड़ी आ सकती है कुछ। डेनिस का पानी पूरे हमारे इतना ले, हमारे घर में पूरा घर में हमारे डेनिस का पानी है। और जब हम चलते ना तो हमको हम इतना ले ले, इंसान ने देखना, आदमी ने देखना, और तो इतना कपड़े ऊपर करके हमको चलना पड़ता है ना। हमारे बच्चों का स्कूल का कुछ है वहाँ पे, ना रोड का कुछ है, ना डेनिस का कुछ है, ना पानी कुछ है। पानी हमको चार चार पाँच पाँच दिन को, आठ दिन को आता पानी आता हमारे बारिश आ गया तो हमको पानी नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देखता, कोई कुछ नहीं करता। हमारे तो हीनानगर पूरा डीनेज नहीं आई है, हीनानगर तक क्रमांक 37। मेरा नाम है आसमान आसिर पठान, वैशाली कारोबारी जादव। हमारे यहाँ के फैसले कुछ काम में करा हीनानगर में, आज आके देखो क्या बारी दिखेंगी, ये बच्चे खाती खाती क्या बारी हम चल के आए ना, हम ये चल नहीं सकते रस्ते से, ये हमारे बुरखे खराब हो जाते, हमारे कपड़े खराब होते। एक इंसान जुमे के दिन जा रहे थे तो ऐसे गिर गए वो, क्योंकि नमाज भी गई और उनका सब कुछ खत्म हो गया। जनाजे को तो एसी में ही टाटा में नहीं जाना पड़ता, और जनाजे को थोड़ी सी ये नहीं होना टाटा एसी में, कितनी तकलीफ होती हुई है जनाजे को। हाँ हीनानगर में कोई देखता नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे, काय की सुविधा नहीं, कोई विकास नहीं, काय की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे। अरे एक मसला बच्चों का स्कूल का बहुत बड़ा हुआ, एक यूनिफॉर्म खराब होगा तो दूसरा यूनिफॉर्म हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से धोके बच्चों के करेंगे। हमारे बच्चों की पढ़ाई का भी खराब, आज बच्चे का पढ़ाई का खराब होगा करेंगे तो उसका भविष्य में तो फ्यूचर भी खराब हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं हम लोग, इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स, अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर वन यूट्यूब न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स, औरंगाबाद का अपना यूट्यूब न्यूज चैनल।